नंबर 10 का एग्जाम्पल नंबर 10 देखो आपको क्या दिया है, बोला है इवेलुएट मतलब आप निकालो सॉल्व करो इसे। ये आपका है साइन माइनस साइन 2x, ठीक है। नीचे लिखा है साइन x माइनस पाई बाय 3 इंटू, ये आपका है यहाँ पे इंटू साइन x प्लस पाई बाय 3 इंटू dx। इसको आपको इवेलुएट करके बताना है कि कितना होगा। तो सिंपल सा गाइस देखो आपको क्या करना है यहाँ पे है, वेरी सिंपल फंडा कि देखो जैसा नीचे दिया है वैसा आप ऊपर क्रिएट करो, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, सबसे पहले मैंने साइन को ऐसे लिख लिया, साइन के पास हमारे पास कितना एक्स था, दो, तो एक एग मैं दो डब्बा बना लिया, तो डब्बे ऐसे बना लिया अपन, एक में लिख दिया, एक एक्स इधर लिख लिया, एक एक्स इधर लिख लिया। अभी जोड़ने पे तो दो आने चाहिए, तो यानी बीच में हमारा प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पे 60 घटा दिया, 60 पाई बाय 3 घटा दिया, और पाई बाय 3 क्या कर दिया, जोड़ दिया, और नीचे हमारा कितना बन गया, नीचे हमारा बन गया साइन एक्स माइनस पाई बाई 3, ठीक है, इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 हो गया, इंटू डी एक्स हो गया। अब गाइस हमें फार्मूला तो भली भांति साइन का आता है, क्या होगा बताओ, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, साइन एक्स प्लस वाई इसका फार्मूला आपका कितना होता है, ये आपका फार्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये आपको फार्मूला पता होता है, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला आपका होगा साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। मुद्दा ये है कि इसमें एक्स कौन सा पार्ट है और वाई वाला कौन सा पार्ट है। तो गाइस साफ साफ आपको दिख रहा है, दिस इज़ योर एक्स एंड दिस इज़ योर वाई, ये आपका x एंगल हो गया, आपका ये वाला y वाला पार्ट हो गया। तो अगर मैं इसे अप्लाई करूं तो देखो आपका कितना बनेगा, साफ साफ देखने गाइस, पहले होगा साइन x मतलब होगा साइन x माइनस पाई बाय 3 इंटू कॉस y, तो यानी कॉस x प्लस पाई बाय 3, और होगा बीच में आया गाइस हमारा आ जाएगा प्लस देन कॉस x, तो कॉस x हमारा यहाँ जो कितना आएगा, कॉस एक्स के प्लस क्या आएगा माइनस पाई बाई 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई एक्स प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। नीचे जो बनेगा गाइज हमारा कितना बनेगा, नीचे बनेगा साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 और इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 इंटू हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब गाइस इस चीज़ को ना आप अलग अलग पार्टों में क्या करो, स्प्लिट कर दो, एक बार सबके साथ इसको लिख लो और एक बार सबके साथ इसको लिख लो, ठीक है। तो अगर आप गाइस अब यहाँ सब लिखना शुरू करो, देखो आपके पास क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, अंदर क्या बनेगा यहाँ पे साइन एक्स माइनस पाई बाय 3 इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाय 3 अपॉन कितना हमारा बनेगा यहाँ पे साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 3, इस तरीके से हमारा यहाँ बन जाएगा एंड देन प्लस, ठीक है, प्लस गाइस देखो हमारा कितना होगा कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3, यहाँ होगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 और नीचे जो बनेगा हमारा होगा साइन एक्स माइनस पाई बाई 3, ठीक है, एंड यहाँ पर होगा साइन एक्स प्लस पाई बाय 3। आई थिंक गाइज आपको साफ साफ दिख रहा हो, ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। तो पहले तो देखो गाइज पहले वाले टर्म में कुछ कटेगा क्या, यस साइन एक्स माइनस पाई बाय 3 साइन एक्स माइनस पाई बाय 3 कट जाएगा। सेकेंड टर्म में गाइज कुछ कट रहा है क्या, यस आई थिंक साइन एक्स प्लस पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस पाई बाय 3 कहानी से गया। तो सिंपल से गाइज बनेगा कॉस अपॉन साइन, ये आपका एंगल यहाँ जो है वही यहाँ पे है, तो मैं क्लियर बोल सकता हूँ कॉस अपॉन साइन कितना अपना होता है, कॉस अपॉन साइन जस्ट कन्वर्ट इनटू ये हो जाएगा हमारा कॉट, ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस पाई बाय 3, ठीक है, और ये जो गाइज हमारा बनेगा ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस पाई बाय 3, ये हो जाएगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। अब गाइज इन्हें अलग अलग से हम क्या करेंगे, इन्हें इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे।
तो पहले आप इसको लिखो कॉट एक्स प्लस पाई पाई 3 इंटू डी एक्स, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन कॉट एक्स माइनस पाई बाई 3 इंटू हो जाएगा टी एक्स, ठीक है। अब गाइस देखो हमारे पास कितना होगा। अब आपको कॉट का इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। कॉट का इंटीग्रेशन का ही फार्मूला हमारा कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसका फार्मूला हमारा होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी होता है। तो अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करूँ तो देन व्हाट विल हैपन गाइस, देखो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये होगा लॉग मॉड साइन, तो वही रहेगा जहाँ पे एक्स है ना, जहाँ पे एक्स है। आप क्लियर कट इस फोटो को लिख लो, कितना होगा एक्स प्लस पाई बाय 3 मॉड के अंदर हो जाएगा, प्लस फिर आपका कितना होगा लॉग मॉड, यहाँ पर होगा साइन एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस पाई बाई 3 मॉड के अंदर होगा एंड देन प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा एग्जांपल नंबर 10 भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम गाइस एक्सरसाइज 19.8 के सारे क्वेश्चन को एक तरफ से सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक।